हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर क्वर्की वीडियो। आज है हैशटैग क्वर्की हॉल डे एंड मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ह्यूज लाजपत नगर हॉल। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मार्केट्स इन दिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई थिंक कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँच गए हो कहीं से लुढ़कते फुड़कते तो आपने पार्ट वन तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है आई विल लिंक इट बिलो, आई विल लिंक इट अबव, प्लीज़ गो चेक इट आउट। आई गिव यू गाइज द अल्टीमेट गाइड टू लाजपत नगर। अगर आपकी शादी है, आपके आसपास किसी की शादी है, आपको फंक्शंस अटेंड करने हैं एंड इन जनरल अगर आप दिवाली की शॉपिंग करने वाले हो, मैंने प्रॉपर शॉप नंबर्स और डायरेक्शंस के साथ उस वीडियो में आपको सब कुछ बताया है। सो इस वीडियो में ज्यादा शॉप के मेंशंस नहीं होंगी। आई विल जस्ट शो यू गाइस व्हाटएवर आई गॉट। आई हैव एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथ्स टू ज्वेलरी टू फुटवेयर एंड अ लॉट ऑफ होम डेकोर आइटम्स, बेडशीट्स, तोरण वगैरह, दिवाली की डेकोरेशन एज वेल एज क्रॉकरी। सो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं क्लोथिंग से एंड देन वील मूव ऑन टू ज्वेलरी एंड जो भी मेरे पर्सनल सामान है। इसमें मम्मी और मैंने मिलके शॉपिंग की है, उनका मेरे से ज़्यादा एक्चुअली मन था जाने का। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट शॉप जो मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ पे थड़ियाँ लगी हुई थी एंड दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शॉप, जहाँ पे आपको एक फिक्स प्राइस में 100-100 रुपये में बहुत अच्छी चीज़ें ऐसे ना पूरे पंजे मार के जाना होता है एंड खुद ही निकालनी होती है चीज़ें एंड यू फाइंड सच जेम्स। द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस सेट ऑफ अ स्पेगेटी टॉप एज वेल एज अ श्रग। आई हैव नेवर सीन सच अ टॉप जो कि बीच टॉप लगता है बट एट द सेम टाइम इट इज सो फेस्टिव। आप देख सकते हो पास से, इसमें बहुत सुंदर सिपी वर्क का काम है एंड बहुत कलरफुल एम्ब्रॉयडरी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट पीछे से ये इलास्टिक में है ऐसे, तो मुझे तो पक्का फिट हो ही जाएगा। एंड इस टॉप के साथ ये जैकेट या श्रग सॉर्ट ऑफ मिल रहा था जो कि फेस्टिव वाइब्स को और एनहांस कर रहा है। जस्ट लुक एट इट, इसके पीछे भी बहुत सुंदर ऐसे हल्का फुल्का काम किया गया है विच इज क्यूट। ये बहुत ही जनरल स्टाइलिंग रूल है जो मैं बहुत फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। अगर बहुत सॉलिड कलर का सब कुछ है एंड बीच में छोटा मोटा कलरफुल काम दिया गया ना, तो उसी कलर को पकड़ के बॉटम या टॉप लाइक मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो, अपने एक्सेसरीज के साथ भी आप खेल सकते हो। सो आई फाउंड दिस रियली रियली प्रिटी फेस्टिव स्कर्ट एंड मेरा इस पे दिल आ गया। इट्स सो विम्सिकल एंड फैंटेसी, लाइक एकदम प्रिंसेस वाइब्स आ रही है इससे। सो दिस इज अ नेट स्कर्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉपर अच्छी सी स्टिच्ड बेल्ट टाइप का इफेक्ट है, यहाँ पे जिपर दिया गया है, प्रॉपर ऐसे लॉक है विच इज सो गुड। लाइक इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड आई वॉज रियली शॉक के वहाँ थड़ी पे टंगी हुई पड़ी थी, अंदर ऐसे सी ग्रीन सी लाइनिंग भी दी गई है एंड देन यू हैव नेट ऑल ओवर एंड नेट के ऊपर आप देख सकते हो मुकेश का काम किया गया है, बहुत ही सुंदर इसमें बिंदिया बिंदिया गोल्डन सी है। इफ इट सैडली डजंट वर्क आई कैन स्टिल मिक्स एंड मैच इट विद समथिंग दैट आई हैव इन माय वार्डरोब ऑलरेडी, क्योंकि मैं इसको लेट गो नहीं करना चाहती थी एंड इतने सस्ते प्राइसेस में मिले हैं। सो मैंने सब कुछ उस सेम शॉप से एंड के एंड सन से आई थिंक ले लिया। अनदर थिंग आई गॉट फ्रॉम द सेम शॉप, आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई पिक्ड, वॉज फ्रॉम दिस होल थड़ी जिसमें ऊपर 100 रुपए टंगा हुआ था एंड आपको खुद ही ढूंढनी थी चीजें। उस थड़ी में ना मुझे बहुत सुंदर श्रग मिला जो कि अगर आप एक ऑल ब्लैक या ऑल व्हाइट लुक के ऊपर सिर्फ डाल लोगे ना, इट डजंट हैव टू बी फैंसी एट ऑल। लाइक आई कैन इवन पेयर इट विद अ ब्लैक टॉप एंड जीन्स या फिर प्लाजो, नॉर्मल सी बिल्कुल। एंड अगर मैंने ये जैकेट इसके ऊपर डाल ली लॉन्ग श्रग, ये एकदम फेस्टिव आउटफिट बन जाएगा। सो ये थोड़ा सा ना ऐसे चंदेरी सिल्क सॉर्ट ऑफ फैब्रिक है विच इज सो नाइस, इसमें हल्की सी आपको शाइन दिखेगी एंड देन इट हैज एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर, सिल्वर एंड गोल्ड टाइप का, समथिंग लाइक जैसे व्हाइट गोल्ड नहीं होता वैसे टाइप का इसका इफेक्ट है। बीच में ऐसे डोरी है, सो आपको इसको पहनना है एंड बिल्कुल आपको क्रिश टाइप की वाइब आएगी, इट विल बी अ दिवाली क्रिश। दिस इज व्हाट द 100 रुपी गारमेंट लुक्स लाइक। इसकी लेंथ भी बहुत सही है, नीचे जाते जाते आप देख सकते हो इतना प्यारा बॉर्डर है। अनदर थिंग दैट आई गॉट इज दिस कुर्ती, ये भी मैंने आपको पार्ट वन में दिखाई थी। I literally found this shop एकदम randomly and उसमें बहुत अच्छे अच्छे चिकनकारी और लखनऊी वर्क के कुर्ते मिल रहे थे and मुझे ना dark colors के ऊपर ऐसे white thread वाला बहुत पसंद है and I was just really really excited to see this। मुझे wine actually color लेना था because I was like let me just play around with color, ज़्यादातर मैं white, black, brown, beige ही करती रहती हूँ, so I wanted to get something चटक but उनके पास मेरा size ही available नहीं था, but मेरा दिल आ गया था इस पे, so then I got this कुर्ती। I don't think I have a black कुर्ती like this जिसके अंदर ऐसे white thread की इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर की हो एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी, ऐसे नहीं है बहुत गंदी तरह से की गई है। पीछे भी आप देख सकते हो हल्का फुल्का ऐसे काम दिया गया है बट इन जनरल मुझे ऐसा कॉन्ट्रास्ट वाला लुक ब्लैक एंड व्हाइट का, वाइन एंड व्हाइट का बहुत अच्छा लगा। अ डेली गर्ल विद अ क्यूट कुर्ती, जीन्स, कोलापुरी चप्पल्स एंड झुमकाज, काजल आंखों में इज अ थिंग एंड वो लुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो उस फैंटेसी, उस डेली गर्ल फैंटेसी के लिए मैंने ये ले लिया। नेक्स्ट अप वी हैव 3 दुपट्टाज दैट माई मॉम वॉन्टेड। सो द फर्स्ट वन इज दिस ब्लैक वन जो कि ज्यादातर ऐसे सूट
दुपट्टों के साथ चल जाएगा एंड आई कैन इवन पेयर इट विद दिस वन एंड इवन मेरी मम्मी का वाइट दुपट्टा भी मैं इन दोनों में से कुछ भी इसके साथ पेयर कर सकती हूँ विच इज़ ग्रेट. लाइक आई लव स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम माई मॉम्स वार्डरोब. सो ये जो दुपट्टा है इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक दुपट्टा विद ब्लैक एम्ब्रॉयडरी, ब्लैक ऑन ब्लैक ही है बट क्योंकि ये नेट है तो इसके ऊपर ये हल्का सा शाइन करता है. सेम ही आई थिंक ऐसे डिजाइन में वाइट दुपट्टा है विच माई मॉम वॉन्टेड फॉर हर ब्रह्मा कुमारी विजिट्स. वो हर सुबह मुरली सुनने जाती हैं सो माई मॉम हैज अ वाइट सेपरेट वार्डरोब एंड यहाँ पे भी ऐसे छोटे मोटे टैसल्स लगे हुए हैं. नीचे जाके बिल्कुल ऐसे प्लेन है. वहां पे ना ऐसे बेज और ऑफ वाइट कलर में भी बहुत चुनिया अवेलेबल थी, कलरफुल ऑप्शंस भी थे. आई शोड यू गाइस कि मेरी मॉम को एक गोल्डन दुपट्टा चाहिए था. सो ये ना ऐसे वाइट सा है कपड़ा ऐसे नेट में एंड इसके ऊपर बहुत सुंदर ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई है गोल्ड थ्रेड की. इतना सुंदर एंड प्रिटी ये फूल है एंड ये ऑल ओवर है. नीचे जाते जाते तक आप देख सकते हो पूरा तगड़ा बॉर्डर है विच इज सो नाइस. यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे फुलफुले से दिए हुए हैं. आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम बट आई फील लाइक ये किसी भी चीज के साथ चल जाएगा. लाइक इवन इफ आई वॉन्ट टू सिट ऐसे आज बिल्कुल इस पिंक सूट के साथ चला के तब भी इट गोज रियली रियली वेल. ऑलराइट लेट्स मूव ऑन टू हील्स नाउ. आई गॉट वन पेयर, माय मॉम गॉट वन पेयर. ये वाली हील्स मैंने आपको वीडियो में भी पहन के दिखा दी थी. मेरा इन पे बहुत ज्यादा दिल आ गया था. यू गाइस नो आई एम अ म्यूल्स गर्ल. मुझे ऐसे टाइप के म्यूल्स या कैसे भी टाइप के म्यूल्स हो उसमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है. जनरली जो स्ट्रैपी हील्स होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है क्योंकि मेरे पैर आगे से ब्रॉड है तो उसमें बहुत ज्यादा ना ऐसे डिग इन करने लगती है, मुझे बहुत दर्द होता है. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ फुटवेयर आई वेयर. जब मेरे पास पहले पैसे नहीं भी होते थे और मैं सरोजनी नगर से सिर्फ फुटवेयर शॉपिंग करती थी या पहाड़गंज से करती थी तब भी मैं बहुत देख देख के लेती थी कि भाई मेरे को छाले नहीं पड़ने चाहिए एंड टू दिस डे मुझे छाले पड़ जाते इतना केयरफुल होने के बाद भी. बट दिस इज द वन दैट आई गॉट. इट्स सो फ्रिकिंग प्रिटी, जस्ट लुक एट इट. बिल्कुल मैं जूम करके दिखा रही हूँ. इतना ज्यादा सुंदर इसमें ग्लिटर लगा हुआ है, ऐसे लगता है कि कोई सांप की स्किन, ऐसे स्नेक टाइप की वाइब है बट इट इज फुल ऑफ ग्लिटर्स एंड दिस इज क्वाइट स्पंजी. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी बट ये ऐसे ना थोड़ा बेंड हो रहा है. काफी ज्यादा अच्छा इसका मटेरियल है. इवन दिस इज अ लिटिल स्पंजी एंड पीछे की हील देखो ऐसा लग रहा है डिस्को बॉल लगाई हुई है एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट इट. इट इज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड आप लोग देख रहे होंगे मैं इधर उधर कहीं ना कहीं अब जाती रहती हूँ, लोगों से सोशलाइज करती हूँ एंड इवेंट्स पे जाती हूँ. सो उसकी तरफ ये एक कदम है कि मैं और इवेंट्स में जाऊँ एंड और नई नई चीजें पहनूँ और नई नई लुक्स आप लोगों को दिखाऊँ, गेट रेडी विद मीज करूँ. सो दिस वॉज द हील दैट आई गॉट फ्रॉम किंग्स. एंड नेक्स्ट हील मेरी मॉम का बिल्कुल प्लान नहीं था हील लेने का बट सिंस वहां पे इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन थी एंड मेरी मॉम के पैर काफी बड़े हैं, लाइक मेरे से तीन चार साइज बड़ा है मेरी मॉम का पैर, बट दीज आर द हील्स दैट माय मॉम गॉट. ऐसी वाली जो स्ट्रैपी हील्स होती है ना वो मुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करती और मेरे पैर क्योंकि मोटे हैं तो ऐसे दबने लगते हैं बट क्योंकि मेरे मॉम के पतले एंड लंबे पैर हैं तो उन पे ये चीज बहुत सूट कर जाती है. सो जस्ट लुक एट इट. इसमें भी ब्लैक बेस है बट ऊपर ना थोड़ा सा ऐसे सिल्वरिश में जा रहा है ये ऐसे zigzag sort of design and my mom's feet look so good in it. So she needs a block heel that is a little bit thicker ताकि थोड़ा support हो उसमें. But I feel like ये दोनों ही type की heels बहुत ज़्यादा प्यारी हैं and if you are a bride to be you can definitely go there. अगर आपको किसी दिवाली function, शादी function में जाना हो वहाँ पे आप जाके बहुत अच्छी you can just get one pair of heel and वो सारे functions में काम आ जाएगी अगर आप gold या silver में ले लो तो. But moving on to jewelry now, this is the first pair of earrings that I got. इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे traditional चीजें लेने का मन नहीं था. मेरे पास काफी अच्छी एक कलेक्शन हो गई है सो आई डोंट वांट टू जस्ट कीप एडिंग टू इट माइंडलेसली. बट मुझे ना बहुत मन कर रहा है अब ऐसे वो इच जो खुजली सी नहीं हो रही ऐसे चुल हो रही है कि मैं एक बीच वेकेशन पे जाऊं विद माय फैमिली. लाइक उनके साथ मैं लास्ट धर्मशाला गई थी जब मेरा विजडम टूथ का पेन निकल आया था एंड उसके बाद हम कहीं नहीं गए हैं. सो आई रियली वांट टू टेक देम आउट एंड उस बीच वेकेशन को आई किड यू नॉट हम सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. दैट इज व्हाई आई गॉट ऐसे कॉडियो वाली चीजें. लाइक आई रियली लाइक ऐसे शंख वाली जो ज्वेलरी होती है. आई थिंक इट इज बिकॉज इसमें मोती और कॉडियो दोनों का कॉम्बिनेशन है. लाइक यहाँ पे सारा आपको सिल्वर में मोती का वर्क दिखेगा, बीच में भी यहाँ मोती लगा हुआ है बट ऐसे जो झुमका आ रहा है ना बिल्कुल ऐसे ट्रायंगुलर से शेप में आ रहा है एंड नीचे बहुत सुंदर सुंदर ऐसे छम 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 लगे हुए हैं एंड दिस इज सच अ प्रिटी पीस. आई किड यू नॉट मैंने अभी तक तो सरोजनी नगर में नहीं देखा है बट लाजपत नगर में यू फाइंड सच रियल जेम्स कभी कभी जो कहीं पे भी आपको दिल्ली में नहीं मिल पाएंगे. सो ये वाले इयररिंग्स मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यारे लगे. द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज ऑल्सो समथिंग इन द शेल बीची गर्ल लाइफ. सो दिस इज अ प्रॉपर सेट. हाँ ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड हु रिमेम्बर्स लाइक कहो ना प्यार है मूवी में जब ऋतिक और अमीषा पटेल वो एक आइलैंड में खो जाते हैं तो आई थिंक वो ऐसी कोई माला सी उसके लिए बनाता है या वो बनाती है, मुझे पूरा प्लॉट नहीं याद मूवी का बट आई हैव सीन दिस समवेयर एंड तभी मैंने ये ले लिया. मैंने ऐसे टाइप का सेट अभी तक कहीं नहीं देखा था एंड आई डोंट नो आजकल पर्ल और शंखों का क्यों कॉम्बिनेशन चल रहा है बट आई एम हेयर फॉर इट. नेक्स्ट सेट में भी पर्ल्स है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसमें प्रॉपर ऐसे सिल्वर जंक ज्वेलरी वाली वाइब है. आई नीडेड समथिंग टू बी वॉर्न विद दिस कुर्ती. काफी सिंपल बेसिक
बेसिक इयररिंग्स है बट स्टिल वेरी क्यूट. आई फील लाइक कभी कभी ये सोशल मीडिया एंड यूट्यूब की एज में ना वी यूट्यूबर्स हम जाते हैं तो हमें लगता है हम अपनी ऑडियंस को कुछ बहुत ही तड़क भड़क कुछ बहुत ही आउटरेजियस दिखाएं जो किसी ने कभी ना देखा हो. एंड दैट इज वाई वी गो फॉर दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट थिंग्स लाइक जिसको देख के सबके होश उड़ जाए कि वाह कितने प्रिटी है हमें देखना चाहिए हमें करना चाहिए. बट प्रैक्टिकली कैन यू वेयर इट एवरी डे? आई डोंट थिंक सो. लाइक आप सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे पहन पाओगे बट डेली लाइफ में अगर आपको एक कुर्ती और जीन्स पहन के घर से बाहर निकलना है यू वुड मच रादर प्रेफर दिस काइंड ऑफ एन इयररिंग चाहे आप ये सेट ना पहनो. सो ऐसे टाइप की इयररिंग्स इज प्रैक्टिकल इज फॉर एवरी डे एंड आई रियली वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन पीसेज जिसको मैं रोजमर्रा की जिंदगी में पहन सकूँ. अनदर रोजमर्रा की जिंदगी वाला झुमका बिकॉज मेरे पास काफी बड़े बड़े झुमके हैं बट आई नीडेड अ स्मॉल लिटिल क्यूट झुमका इज दिस वन विच वॉज आई थिंक फॉर ओनली 50 rupees बट दिस इज सुपर ग्रेट. यहाँ पे ऐसे सिल्वर टाइप के मोती हैं बेसिक झुमका है एंड या आई जस्ट रियली लाइक इट. ऑफ लेटली जब भी मैं कोई बंजारा लुक करती हूँ ना मुझे बहुत मन करता है कि मेरे पास तरह तरह के नोज पिंस हो. आई एम नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ गेटिंग माई नोज पियर्सिंग डन. लाइक मुझे वो पियर्सिंग एंड वो सब अच्छा लगता ही नहीं है. आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद माई ईयर. मैंने स्कूल के टाइम पे ना यहाँ पे पियर्सिंग कराई थी एंड फिर देन आई हैड टू गेट अ सर्जरी डन बिकॉज पीछे कुछ अजीब सा ही निकल आया था किलॉइड सा. आई होप यू गाइज कैन सी इट नाउ. बहुत सुंदर सा इसमें एक नग है डायमंड जैसा एंड इसको बस आप अपनी नॉर्मल नाक के यहाँ पे घुसा सकते हो एंड टाइट कर सकते हो. द नेक्स्ट वन आई गॉट इज अ लिटिल बिग लाइक छोटा सा ही फूल है बट बिगर देन द नग वन. देखो एकदम ऐसे लगाने से ऐसे फेमिनिन एंड बहुत ही ऐसे एजी प्लस देसी टाइप की वाइब आ जाती है एंड दैट इज व्हाई आई रियली लाइक ऐसे पतली पतली नोज रिंग. ज्वेलरी का सिलसिला होता है ओवर एंड नाउ कमिंग टू हेयर एंड हेयर एक्सेसरीज. मेरी मम्मी ने ये सारे क्लिप्स लिए हैं. वैसे तो मैंने पार्ट वन में सारे मम्मी का उसी टाइम ट्राई ऑन हॉल करा दिया था बट आई स्टिल वॉन्ट टू शो यू गाइज बिकॉज मेरी मॉम को हेयर क्लिप्स बहुत पसंद है. सो दिस इज द फर्स्ट वन दैट शी गॉट. इसमें थोड़ा मार्बल इफेक्ट है एंड ये उनके ब्रह्मा कुमारीज के लिए है. लाइक व्हाइट पूरा उनका ड्रेस कोड होता है. दिस इज अ बेज ऑफ व्हाइट वन जिसमें हल्के से येलो के स्पेक्स हैं एंड ऐसे गोल्डन फूल वगैरह लगे हुए हैं एंड ये काफी अच्छी क्वालिटी के थे. सिर्फ 150 में मिल रहे थे विच वॉज अमेजिंग. दिस इज अनदर वन जो कि थोड़ा चॉकलेटी ब्राउन कलर में है एंड इसमें भी थोड़ा मार्बल स्पेक्स है एंड आई थिंक दिस इज परफेक्ट फॉर द फेस्टिव सीजन. लाइक ये बालों में इतना ज्यादा सुंदर लगता है. एंड द लास्ट वन इज इन ग्रे. ये इसी का छोटा भाई है बट या इसके अंदर भी ऐसे आपको फूल छोटे से दिखेंगे मार्बल इफेक्ट दिखेगा एंड द क्वालिटी इज अगेन रियली रियली नाइस क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड आई डू रियली वॉन्ट टू मेक फेस्टिव कॉन्टेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट लुक्स फॉर यू गाइज. सो मुझे ना नकली बाल दिख रहे थे एंड आई वॉज लाइक मैं कभी इस जन्म में तो जूड़ा बना पाऊं या ना बना पाऊं मुझे नहीं पता लेकिन ले जरूर लेना चाहिए फेक जूड़ा. सो वहां पे बहुत सारी शॉप्स थी एक्चुअली एंड मैंने ये फेक जूड़ा ले लिया विच टोटली लाइक मैचेस माय हेयर. इवन जो मेरे हाइलाइट्स हैं बीच बीच में उसमें ऐसे हाइलाइट्स दिए हुए हैं बीच बीच में विच इज सो फ्रिकिंग नाइस. एंड ये कितना प्यारा ऐसे फूलों जैसा जूड़ा लग रहा है ना. पीछे इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें आप ऐसे क्लॉ क्लिप सा खोल सकते हो. आपको ऐसे चोटी बनानी है एंड इसको आप अपने जूड़े में लगा सकते हो इसको गोल ऐसे करके. देन यू कैन जस्ट एडजस्ट इट एंड अपना जूड़ा आप इसी जूड़े के अंदर डाल सकते हो एंड यू आर सॉर्टेड. जस्ट सो प्रिटी. एंड यहाँ से आप अपनी थोड़ी सी ऐसे लटे वगैरह निकाल सकते हो फॉर अ मोर फेस्टिव अप्रोप्रिएट वाइब. एंड द बेस्ट पार्ट बिकॉज ये मेरा करने से बहुत टाइम से मन था इज टू गेट अ फेक लाइक गजरा एंड इसको मैं हर लुक के साथ यूज करूँ. लाइक मैंने भैया को बोला भी था कि मुझे लगा के दिखाओ. सो आप इसको यहाँ पे ऐसे पहन सकते हो लगा के एंड इट जस्ट आई फील लाइक मेरी शादी होने वाली है. लाइक इतना सुंदर ये जूड़ा है. द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज अ वेरी लॉन्ग आरियाना ग्रांडे सॉर्ट ऑफ चोटी. लाइक लुक एट दिस. एंड ये भी उन्होंने मेरे बालों से मैच करके दी थी विच इज अ ग्रेट पॉइंट. लाइक यू कैंट सी अ डिफरेंस. लाइक इट इज अमेजिंग. सो नाउ जो इसकी ऊपर वाली साइड है ना जो एक से चोटी का इफेक्ट दे रही है उसको आपको पकड़ना है पीछे से एंड यू जस्ट हैव टू ओपन दिस क्लॉ क्लिप एंड इसको आपको अपनी चोटी के ऊपर ऐसे बस लगा लेना है एंड लुक एट दैट. आई एम वंस अगेन अ वेरी डिफरेंट पर्सन बट ओ माई गॉड मेरे इतने लंबे बाल मैं सालों बाद देख रही हूँ एंड इट फील्स रियली रियली अमेजिंग. अब मैंने आप लोगों को सारी पर्सनल शॉपिंग दिखा दिया. लेट्स मूव ऑन टू सम होम एंड दिवाली डेकोर आइटम्स. द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट शो यू गाइज आर तोरंस एंड ऑल द दिवाली डेकोरेशंस जो आप इस साल मेरे आगे के व्लॉग्स में दिवाली व्लॉग्स में देखोगे मेरे घर की सजावट होते हुए. द फर्स्ट थिंग दैट वी गॉट इज दिस वेरी प्रिटी येलो मिरर वर्क की और मल्टी कलर्ड गोलों के साथ तोरन. वी रियली वॉन्टेड टू गो ऑल आउट बिकॉज दिस इज आर फर्स्ट दिवाली इन दिस हाउस. लास्ट ईयर हमने दिवाली अपने रेंट वाले घर में मनाई थी एंड इस साल मेरे खुद के हमारे खुद के घर में हम दिवाली मनाने जा रहे हैं. तो ऐसे टाइप की तोरण में लाई हूँ. इसमें बहुत सुंदर मिरर वर्क है बहुत सुंदर ऐसे गोल्डन छलियां सी लगी हुई है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये जो तोरण है इसको आप टू वे में यूज कर सकते हो. सो इवन इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ दिस येलो कलर यू कैन जस्ट ट्विस्ट इट ओवर एंड यूज इट इन दिस वेरी प्रिटी रेड एंड पिंक कलर. लाइक दिस इज सो क्यूट. दोनों तरफ काम किया गया है एंड दोनों तरफ से ये
यूज कर पाएंगे हम. सो एक साल हम ये कलर यूज करेंगे, अगले साल हम ये कलर यूज करेंगे. देन वी गॉट दिस एक्सट्रीमली प्रिटी शुभ लाभ वाली तोरण, ये छोटी सी हम साइड में लगा सकते हैं अपने घर के. सो इसमें गणपति बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर, इतने प्यारे एंड क्यूट लग रहे हैं पप्पा. एंड नीचे जाते जाते यहाँ पे आपको एक जगह शुभ दिखेगा ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुआ पड़ा इस पिलो के अंदर, एंड एक जगह आपको लाभ दिखेगा यहाँ पे ऐसे, एंड ये घूमता रहता है तो शुभ लाभ ऐसे पूरा रोटेट होता रहेगा. एक जगह कुछ लिखा है, एक जगह कुछ लिखा है, बट इट इज सो क्यूट. लास्ट दिवाली डेकोर थिंग दैट वी गॉट आर दीज. सो हम ना बहुत ज्यादा फेक फूल वगैरह नहीं लेना चाहते थे, बट एक यूनिक सी अच्छी लड़ी ले लेनी चाहिए यार, जो आप हर साल सजाओ एंड आप उससे बोर भी ना हो. सो यू गाइज नो वी आर ऑल क्रेजी फॉर पर्ल्स, एंड यहाँ पे पर्ल्स का ही बहुत सुंदर इफेक्ट है. नीचे आपको ऐसे रोजेज एंड फूल दिखेंगे, नीचे जाते जाते पूरा ऐसे गुलदस्ता सा बन जाता है गुंबद के साथ. यू गाइज कैन सी ऐसे टाइप की तोरण लड़ियां वगैरह ना मेरी मॉम को बहुत शौक है, एंड हर साल हम जनकपुरी में ना पोसंगीपुर एक छोटी सी मार्केट है वहां जाके लड़ियां वगैरह लेते थे. एंड इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम हम लाजपत नगर गए हैं अपने पहले घर की पहली दिवाली की शॉपिंग करने. बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड ये हमें बहुत अच्छे अच्छे प्राइसेस में भी मिल गई. नेक्स्ट अप वी गॉट टू बेडशीट्स, वन इज अ डार्क वन, वन इज अ लाइट वन. वी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स बिकॉज आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन, बट जितना भी मैंने घर में दिखाया, मेरे घर में ना अलग अलग बेडरूम के अलग अलग कलर की वाइब एंड एस्थेटिक है. सो वन रूम इज ब्राउन, वन रूम इज ग्रीन, वन रूम लाइक मेरा रूम पर्पल है. सो उसी के वाइब के हिसाब से वी वॉन्टेड टू गेट चद्दर्स, एंड दिस इज द फर्स्ट वन दैट वी गॉट. हम ज्यादातर प्लेन ही चाहते हैं, बट दिवाली के टाइम पे वी वांटेड समथिंग फ्लोरल एंड डार्क. एंड देन द नेक्स्ट वन वी गॉट इज दिस वन. इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके आसपास ना पिलो कवर्स के बहुत सुंदर से फ्रिल वगैरह सी लगी हुई है. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक ऑन द बेड. आई एम सो हैप्पी कि इसमें फोटोज दी हुई हैं, सो मैं आपको दिखा पा रही हूं कि ये कैसा लगेगा. आई वांट टू शो यू गाइस द लास्ट थिंग दैट वी गॉट. इट इज अ क्रॉकरी पीस. इसके अंदर कप प्लेट के सेट है ऐसे, एंड मेरी मॉम कब से भाई कब से 3-4 महीनों से तलाश रही है कि एक अच्छा कप सेट, एक एलिगेंट कप सेट मिले. ओपन इट वेरी केयरफुली, आई डोंट वॉन्ट मेरी मम्मी मेरा कत्ल कर दे अगर मैं ये खराब कर दूँ. सो ये है इसके अंदर का डिजाइन, क्वाइट रिफ्लेक्टिव, क्वाइट क्यूट एंड बहुत सुंदर एंड स्टर्डी सी क्वालिटी है इसकी. यहाँ पे ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ये भी थोड़ा सा ऐसे मेटालिक में है, एंड देन दीज आर द कप्स. एंड मुझे इस कप की बहुत अच्छी एक बात लगी, इट इज नॉट जस्ट योर नॉर्मल कप. इसके अंदर ऐसे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इसको रखने के लिए, ये बहुत ज्यादा ऐसे रॉयल फील दे रहा है. मेरी मॉम इज सच अ होस्टेस, लाइक उनको लोगों को होस्ट करना बहुत पसंद है. सो या दिस इज व्हाट शी गॉट, एंड नाउ आई थिंक शी इज क्वाइट सेटिस्फाइड विद. आउट ऑफ जितने भी हमने हजारों डिजाइन देखे हैं उनको ये बहुत पसंद आया, एंड आई एम हैप्पी दैट आई कुड मेक हर हैप्पी. आप अगर यहाँ पे नए हो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो. मैं हर ट्यूजडे हर फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे एक नई वीडियो डालती हूँ. टेक केयर, अच्छे से शॉप करो, अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.